subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. आगे जाना है कारक से, कारक जहां बैठा हुआ है, ठीक है। तो सिक्स हाउस शनि, शनि से सिक्स हाउस, ठीक है। सेवंथ हाउस गुरु शुक्र, और गुरु और शुक्र से सेवंथ हाउस, मतलब शादी की बात होगी तो मैं क्या क्या कैलकुलेशन करूंगा। इसलिए लोगों के प्रेडिक्शन क्यों पिटते हैं कि वो देखते हैं सेवंथ हाउस का लॉर्ड पिटा हुआ है, बट वो गुरु और शुक्र को नहीं देखते, और गुरु और शुक्र से सेवंथ को नहीं देखते। तो कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा यार, शादी इस मादशा अंतरदशा में कैसे हो रही है, तो वो गुरु और शुक्र से सेवंथ का जो लॉर्ड है वो भी रिस्पॉन्सिबल है शादी कराने के, वो भी करा सकता है शादी। कारक अलग अलग है ना, लड़के और एट्थ हाउस शनि, और शनि से एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस गुरु, गुरु से नाइन्थ हाउस मतलब पिता, और दूसरा नाइन्थ हाउस का कारक कौन है, सूर्य। तो पिता को देखने के लिए मैं नाइन्थ हाउस को देखूंगा, सूर्य को देखूंगा, और सूर्य से नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस के दो कारक है, एक गुरु है एक सूर्य है। तो गुरु जो है आध्यात्मिक धार्मिक क्रियाकलापों के लिए और भाग्य के लिए है, ठीक है। और सूर्य पिता का कारक है, जैसा अपन सूर्य में पढ़े, ठीक है। तो मुझे अगर पिता का कैलकुलेशन करना है कि भाई पिता इसके जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे, पिता से बनेगी कि नहीं बनेगी, तो मैं क्या करूंगा, नाइन्थ हाउस पर जाऊंगा। नाइन्थ हाउस से हम पिता का कैलकुलेशन करते हैं, फिर मैं सूर्य की स्थिति देखूंगा। मैंने आपसे पूछा था ना उस दिन सूर्य कैसा है ना, तो मैं सूर्य देखूंगा। अच्छा, सूर्य भी नीच का है, सूर्य भी गड़बड़ है। फिर सूर्य से नाइन्थ हाउस, क्योंकि मैं सूर्य को लग्न मान लूंगा, अब मुझे पिता का कैलकुलेशन करना है, तो मैं उससे नाइन्थ हाउस देखूंगा। अगर नाइन्थ हाउस बिल्कुल गड़बड़ है, अगर सूर्य ठीक है तो कर सकता है, उससे कम पे सूर्य से नाइन्थ हाउस। मान लो धनु लग्न की कुंडली है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड सूर्य है, वो नाइन्थ हाउस में स्वराशि है, इट इज गुड। तो हमें एक, हमारा एक मेथड हमें नहीं करना पड़ेगा, बट हम रियाज जो प्रैक्टिस है वो ऐसी करेंगे। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, अच्छा सूर्य, फिर नाइन्थ हाउस का कारक सूर्य, अच्छा फिर सूर्य से नाइन्थ हाउस। ये यू कैन प्रिडिक्ट थ्रू ओनली नाइन्थ हाउस ऑल्सो, बट इट विल नॉट गिव यू द एक्यूरेसी, ठीक है। और फिर नाइन्थ हाउस से मतलब सूर्य से नाइन्थ हाउस, ठीक है। ऐसे ही दशम का लॉर्ड, दशम में अलग अलग चीज़ें आती हैं, चूँकि दशम में आपका बॉस भी आता है इसलिए सूर्य है, दशम में आपका कर्म आता है इसलिए मंगल है, दशम में कृपा प्रसिद्धि इसलिए बुध शुक्र गुरु, पांच लोग हैं, ठीक है। दशम से ही वैभव है इसलिए पांच लोग हैं। तो इन पांच लोगों में से जिसकी भी बात हो रही है उसको गिनेंगे। मान लो कि कर्म की बात हो गई, मंगल, मंगल से दशम, बॉस सरकार सूर्य से दशम, ठीक है। प्रसिद्धि बुध या शुक्र, तो शुक्र से दशम, ठीक है। तो दशम गिनूंगा, दशम का लॉर्ड गिनूंगा, दशम का कारक पकड़ूंगा, और उस कारक से दशम लग्न कुंडली में ही है। हम कारक को लिखेंगे नहीं कहीं, ये हमें पता है। आप कैलकुलेशन कुंडली का वैसे करोगे, टेंथ हाउस का लॉर्ड बुध फोर्थ हाउस में बैठा है, ठीक है। तो टेंथ हाउस में राहु केतु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, टेंथ हाउस इसके हिसाब से बहुत अफेक्टेड लग रहा है। अब मैं कारक पकड़ूंगा इसके, कारक का है, अच्छा तो टेंथ हाउस का एक कारक बुध है, तो बुध तो सेफ लग रहा है लेकिन राहु के साथ है। फिर टेंथ हाउस का दूसरा कारक गुरु छठे में बैठा हुआ है, तो अगर उसने मुझसे पूछा कि मेरा काम का लेवल क्या होगा, फिर मैं कितना एक्सपांड कर पाऊंगा, मैं जुपिटर को देखूंगा यहाँ से टेंथ, सात आठ नौ दस, पहले गुरु को देखूंगा, अच्छा गुरु ठीक बैठे, गुरु पे कोई भी इल इफेक्ट नहीं है, तो ये इसको मैनेज करेंगे। अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या, ठीक है। तो इलेवंथ का लॉर्ड कौन, इलेवंथ का कारक कौन, गुरु, ठीक है। तो इलेवंथ बड़ा भाई, तो बड़ा भाई का कैलकुलेशन करने के लिए इलेवंथ का लॉर्ड गुरु, गुरु से ग्यारहवा लाभ स्थान, कारक एक ही है इसलिए अकेला जुपिटर करना। फिर ट्वेल्थ हाउस शनि शुक्र, तो इसमें अगर परिस्त्री गमन और ये सब बातें हो रही हैं तो पूरा शुक्र का डिपार्टमेंट है, तो शुक्र, शुक्र से बारहवा स्थान और ट्वेल्थ हाउस। अगर बीमारी जेल विदेश ये पूरी जो पूरी शनि की फील्ड है, तो शनि से बारहवा स्थान और शनि। एक ऐसे समझो, एक स्टेट है
और एक सेंट्रल है, ठीक है. सो योर हाउस लॉर्ड इज ए स्टेट मिनिस्टर, आपका गृह मंत्री से सपोज बाबूलाल गौर, एंड देन वन इज सेंट्रल मिनिस्टर राजनाथ सिंह, दैट इज योर कारक. बिकॉज ओवरऑल कंट्रोल कारक का जुपिटर की कृपा से बच्चा होगा, आपकी कुंडली के अंदर शनि का भी रोल रहेगा उसके अंदर, बट जुपिटर का भी अच्छा होना जरूरी है. तो वो जो प्रेडिक्शन कई बार नहीं बैठता कि यार पंचमेश तो पंचम में सौराशी बच्चा क्यों नहीं हो रहा, तो वो कारक है ना. तो वो तीनों को मिलकर, और फिर और अभी हम अंदर जाएंगे तो और भी चीज़ें, एक एक चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी चीज़ें हमें देखनी रहेंगी, तब वो एक्यूरेसी से आएगा, है ना. बट एक्यूरेसी से वो आएगा, आप कॉन्फिडेंट होगे कि नहीं ये मैं बोल रहा हूँ ये होगा, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो. ठीक है, तो नेगेटिव तो हम बोलते नहीं है, नेगेटिव कैसे बोलना है वो भी बताऊंगा मैं. दैट इज़ द ओनली आर्ट जिसको मतलब अपने को थोड़ा सा बैकफुट पे जाके सीखना पड़ता है हॉरोस्कोप देखते समय, बिकॉज समटाइम इट गेट्स हर्ट, है ना. तो वो बहुत लोग दिमाग पे ले लेते हैं एकदम से और उस दिन से परेशान हो जाने लगते हैं. पूछते साल भर आगे की है और हम बोल देते हैं बेकार होगा, तो वो अभी से परेशान. तो एस्ट्रोलॉजर का ये धर्म है कि वो चेतावनी जरूर दे अगर उसकी उसको जो उससे कुंडली दिखाने आ रहा है उसका दिख रहा है कि कुछ गलत हो सकता है, उसको चेतावनी जरूर दे, बट उनके शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से करना चाहिए. हमारा धर्म है उसको बताना, उसके लाइफ के अंदर अगर कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको उपाय बताना भी हमारा धर्म है. हम उसको उपाय भी बताएंगे, बट हम अपने शब्दों को लिमिटेड रखेंगे.